नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपके लिए मैं आया हूं बजाज के शोरूम पर और एक इतनी बेहतरीन पेशकश लेकर आया हूं कि अगर आपको कम बजट में एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का मन कर रहा है तो मैं इतनी बढ़िया चॉइस आपके लिए लेकर आया हूं। मेरे सामने खड़ी हुई है बजाज वालों की पल्सर 125 2023 न्यूली अपडेट मॉडल, जो कि BS6 है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, E20 के साथ आती है। बहुत बेहतरीन पेशकश आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों पूरी वीडियो इसी के बारे में होगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या माइलेज है, यानी कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। पूरी जानकारी इस बाइक के बारे में मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके काम की होगी और दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे सामने ये जो बाइक खड़ी है ना दोस्तों, बजाज वालों की पल्सर NS125 CC, दोस्तों पूरे फीचर से लेस गाड़ी है। सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं इतनी कम रेंज में। रेंज में अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इसके हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। कुछ पहले की दिखा देता हूँ। इस टाइप की इसकी की है, एज यूजुअल जिस तरह से बजाज वालों की आती है। यह आ जाता है इसका इग्निशन स्विच, मैं इसमें की ऑन करता हूँ। कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस आता है। सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आ जाता है फ्यूल गेज, RPM मीटर देखने को मिल जाता है जो कि आपका एनालॉग में है, और आपका जैसे आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो रहा है तो उसका इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि लो फ्यूल वाला इंडिकेशन भी, जिस तरह से इस समय लो फ्यूल हो रहा है उस टाइप का इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में 2.6 लीटर से तेल कम है तो ये इंडिकेशन कंटिन्यू ब्लिंक करता रहेगा। और क्या न्यूट्रल का आ जाता है, बैटरी का इंडिकेशन आ जाता है, और माल फंक्शन की लाइट का इंडिकेशन आता है, और बजाज का लोगो देखो कितना शानदार लग रहा है, बजाज का लोगो आ जाता है। ये दो बटन आते हैं जो कि ये डिजिटल वाले मीटर को आपका कंट्रोल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है RPM की लाइट, क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। ये देखिए फ्यूल गेज तो है ही, अब साइड स्टैंड रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा वो देखने को मिल जाता है, टाइमिंग और ऑडोमीटर और डिस्टेंस टू MPT। ये देखिए डिस्टेंस टू MPT है, और कितनी गाड़ी चल चुकी है वो भी, और आपकी गाड़ी कितनी भाग रही है वो भी इंडिकेशन देखने को मिलता है, और आपका ट्रिप ए और ट्रिप बी देखने को मिलता है। इसके स्विचेस बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों मुझे बजाज के। क्यों, क्या खासियत लगती है कि इसके अंदर ना ब्लू कलर की लाइट जलती हुई दिखती है, किस तरह से ये देखिए। ये आ जाता है हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन, ये आपका पासिंग का, ये देखिए लाइट सामने थ्रो बहुत अच्छा है लाइट का, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। और ये आ जाता है आपका इंडिकेटर, और ये आ जाता है इसका आपका हॉर्न ठीक ठाक है, और आपका इंजन किल स्विच भी देखने को मिलता है, और ये आ जाता है इसका सेल्फ। क्या खासियत है इस गाड़ी की दोस्तों, अगर और कंपनी में लेकर जाएंगे 125 सीसी में स्पोर्ट्स बाइक में तो आपको किक देखने को नहीं मिलेगी गाड़ी में, लेकिन इसमें बजाज की गाड़ी में आपको किक और सेल्फ दोनों ही देखने को मिलते हैं। या और दोस्तों ये बता दूं, इसमें इसका जो थ्रॉटल है पूरी तरह से स्पोर्टी लुक में कटिंग वाला थ्रॉटल दिया हुआ है, बार हैंड देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए क्या खासियत है, इसका जो डिस्क वाला जो लीवर है इसके ऊपर एक प्लेट लगाई हुई है प्लास्टिक की, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है मेरे को, और कटिंग वाले बहुत ही शानदार क्वालिटी के आपको ये साइड मिरर देखने को मिलते हैं, देखिए प्रीमियम क्वालिटी के। अब बढ़ जाते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, ये देखिए छोटा सा वाइजर आ जाता है, कटिंग मॉन्स्टर लुक में इसकी कटिंग लग रही है, जो उसकी पहले जो आती ना इसकी 135 CC पल्सर जो आती थी उसी की रूबरू लग रही है। हैलोजन में इसका हेडलाइट लैंप सेटअप देखने को मिल जाता है, थ्रो नाइट का बहुत शानदार है। यह रहते हैं हेलोजन में इसके इंडिकेटर, जो कि काफ़ी मतलब प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं, फ्लैक्सिबल है ये नंबर प्लेट लगाने की जगह। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए, और मदगार्ड देखिए, इसकी प्रिंटिंग देखिए, ये देखिए ब्लैक कलर से डुअल टोन में, ये आ जाता है खुदरा टाइप का, और ये आ जाता है प्लेन में मैटी फिनिश में। ये आते हैं इसके मदगार्ड, और रिफ्लेक्टर आते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर। गाड़ी में डिस्क ब्रेक, सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। आगे का जो डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का है, और पीछे का जो ड्रम ब्रेक है वो 130 mm का है। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं, 80x100 17 इंच का इसका व्हील साइज देखने को मिलता है, जो कि अलॉय में है, ट्यूबलेस टायर, और कटिंग देखिए अलॉय की कितनी बेहतरीन कटिंग लग रही है, ये देखिए फ्लावर्स टाइप की, मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और अलॉयल के ऊपर जो आपका ग्रे कलर का रिम है उसके ऊपर ये ऑरेंज कलर की पट्टी है, जब चलेगी ना तो आपको पूरी तरह से सर्कल में ऑरेंज कलर चलते हुए दिखाई देगा। अब बढ़े आते हैं इस वाले प्रीव्यू की तरफ।
ये आ जाता है ऑरेंज कलर की, मेरे सामने गाड़ी कलर खड़ी हुई है ऑरेंज और ब्लैक डुअल टोन में खड़ी हुई है। ये लिखा हुआ फ्यूल इंजेक्शन पल्सर का 3D में लोगो आ जाता है। E20 में ये गाड़ी देखने को मिलती है। 12 लीटर इसकी टैंक कैपेसिटी है दोस्तों। अगर बेहतर कंडीशन में माइलेज निकलवाओगे ना यार इस गाड़ी से, तो 50 प्लस का ये गाड़ी माइलेज आपको देने वाली है। यह आ जाता है इसका विंग, और विंग के ऊपर ही लिखा हुआ है 125, मतलब बता रहा है आपको यार 125 सीसी गाड़ी है। और ये व्हाइट कलर का स्टीकर है और ब्लैक कलर का टोन मिल जाता है। ये जाली आ जाती है और ये किक, और इसका जो ब्रेक लीवर है वो भी क्लासी लुक का है। और फोल्डेबल इसके फुटरेस्ट आ जाते हैं, ये पीछे पैर रखने के लिए जगह, ये भी फुटरेस्ट फोल्डेबल है ये देखिए। और ये आ जाता है मड फ्लैप, जो कि वही स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी जो होती है ना उसी टाइप का इसका मड फ्लैप है एक अंदर की तरफ। पीछे का जो सस्पेंशन है वो मोनोशॉक आपको देखने को मिलते हैं, ये देखिए कुछ इस टाइप से, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और पीछे का टायर सेटअप बात कर लेते हैं, 100x90 यानी कि 100x90 का इसका बैक टायर सेटअप देखने को मिलता है। 17 इंच का इसका व्हील साइज देखने को मिलता है। और मैंने बता ही दिया पीछे जो आपके ब्रेक हैं वो ड्रम ब्रेक है 130mm के देखने को मिलते हैं। अब इस वाले लुक की तरफ आ जाते हैं, बैक प्रोफाइल की तरफ। LED में इसकी बैक लाइट, हैलोजन में इंडिकेटर, और हैलोजन में इसकी नंबर प्लेट को विजिबल करने की लाइट दी जाती है। देखिए गाड़ी कितनी उठी हुई है ऊपर से, बिल्कुल स्पोर्टी लुक दिख रहा है, कितनी उठी हुई है। सीट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, सीट देखिए कटिंग वाली सीट है। यहाँ आ जाता है राइडर प्लोन के, जब पीछे वाला बैठेगा ना तो काफ़ी ऊपर उसकी हाइट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सीट हाइट है वो है 805mm की, यानी काफ़ी इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं इस वाले प्रीव्यू पे, ये लिखा हुआ है आपका NS125 स्टाइलिश में, इधर भी लिखा हुआ है। ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है जो कि मेटल में है। यह आ जाता है इसका साइड, मतलब पैर रखने की जगह। यह आ जाता है साड़ी गार्ड इसका इधर की तरफ से लगा हुआ, मतलब काफ़ी स्टाइलिश बनाया गाड़ी को। यह आ जाता है वही पैर रखने की जगह जो कि फोल्डेबल है। और 5 गियर देखने को मिलते हैं गाड़ी में, 1 डाउन 4 अप, सिंगल लीवर देखने को मिलता है वही स्पोर्टी फील करने के लिए। क्या रहता है लेग गार्ड जो कि स्मॉल में है, अगर आप एडिशनल बड़ा करवाना चाहते हो करवा सकते हैं स्वइच्छा से आप अपनी। और साइड स्टैंड रिमाइंडर, यानी कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर लिखा होता है अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो फर्स्ट गियर में जैसी गाड़ी लोगे ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और न्यूट्रल में तो स्टार्ट होगी, जैसे ही फर्स्ट गियर में लोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये देखिए साइड का प्रीव्यू गाड़ी में, काफ़ी शानदार काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है गाड़ी का, ये देखिए। फ्रेंड्स मैं बात करते करते वॉक अराउंड भी करा देता हूँ, वॉक अराउंड के कराते कराते मैं इसका ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। दोस्तों मैं अलीगढ़ के बता रहा हूँ, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ शिवा ऑटोमोबाइल्स ऑटो डिवीज़न जो कि पड़ता है दुबे के पड़ाव के पास GT रोड पर। तो उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,07,802 रुपये का है, और जो ऑन रोड पड़ेगी लगभग ये 1,28,000 रुपये तक की पड़ जाने वाली है। अगर आपको भी ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और अगर देखना है तो इस शोरूम पर विज़िट करें। तो अब मैं बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इसका जो कर्व वेट है इस गाड़ी का, जो पूरा वेट ओवरऑल होने वाला है वो 144 किलो का होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत शानदार है दोस्तों, 179mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ की बात करूं 2012mm की इसकी लंबाई है, और इसकी ओवरऑल विथ यानी कि जो चौड़ाई है वो है 810mm की, और जो उसकी हाइट है ओवरऑल हाइट जो है वो 1078mm की हाइट देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं व्हील बेस की, ये वाला जो व्हील बेस है वो 1353mm का आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। देखिए बहुत शानदार लग रही है, ऊपर से व्यू देखिए गाड़ी का, ये देखिए मतलब मुझसे ना रहा नहीं गया। मैंने यार इसको एक बंदे को चलाते हुए देखा, मैंने कि अपने व्यूवर्स के लिए इसका ब्लॉगिंग जरूर करूँगा, क्योंकि 2023 के बाद भी ना बजाज ने इसमें इसको देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप लगाकर इस गाड़ी को भेजा है, E20 में भेजा करके। तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक। अगर इस गाड़ी के बारे में आपको क्या पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।